जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। मेरा आप सभी से विनती है कि आप ये सत्संग पूरा सुने, पूरा ध्यान पूर्वक सुने और सभी संगत नॉन संगत सभी को ये सत्संग सेंड करें, ये प्लेलिस्ट सेंड करें। गुरुजी दिव्य आभा की प्लेलिस्ट मैंने पर्टिकुलरली एक प्लेलिस्ट नेम से बनाया हुआ है, जिससे कि किसी को भी सत्संग फेच करने में, ढूंढने में, सर्च करने में टाइम वेस्ट ना हो और आप गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेते रहें। इसी विनती के साथ कि आप सत्संग सुने और सभी को सेंड करें और गुरुजी मेरा, मेरे परिवार का, अभी अपनी सभी संगत नॉन संगत का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखते रहें, ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़े रखें और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग संजीव कश्यप अंकल का है गुड़गांव से। एक ताकिया भरोसा तेरे चरणा दा, केवल आपके चरणों में मेरा आश्रय है हे प्रभु। अंकल जी लिखते हैं, मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अत्युत्तम अनुभव के कारण मुझे कहीं भी नई नौकरी मिल जाएगी। मैं आवेदन भेजता रहा परंतु विफल रहा। 5-6 माह के तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। शनै शनै पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर पर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धनराशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेती हैं। मुझे पता था कि यह अनुचित निर्णय है पर मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुँचा। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और उसके पश्चात लंगर बट रहा था। लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूं बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ। मेरे मित्र ने पुनः उनके पास जाने के लिए बोला, किंतु मैंने मना कर दिया और उसको कहा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी नहीं है। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कि वह भगवान और सर्वज्ञाता हैं। अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए साक्षात्कार की सूचना आई। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि यह गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। साक्षात्कार अच्छा हुआ, मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। चुने न जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। अंदर ही अंदर मैं ध्वस्त हो गया और मैंने कहीं भी आवेदन भेजने बंद कर दिए। अगले 2 मास इसी प्रकार निकल गए। मेरी स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे मित्र ने पुनः फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं यह सोचकर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है, स्थिति इससे और अधिक कितनी बुरी हो सकती है। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयास कर लिए हैं और अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, और सब बैधन्य दे दिया। सॉरी गुरुजी, मुझे गुरबानी के शब्द समझ में आते हैं पर मैं पढ़ने में बिल्कुल समझ में भी गुरुजी की कृपा से ही आते हैं। पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे तो पढ़ने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई एक दर्जन लोग बचे होंगे। जब गुरुजी मेरे पास आए वह बोले, हौर वाई, तू किंदा आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर संशय किया था। मैं अशक्त और अवाक रह गया। बहुत प्रयत्न के साथ मैं धीमे से गुरुजी ही कह पाया था,
इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले दिन दो तीन मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात मैंने पुनः आवेदन भेजने आरंभ कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया। मैं कंपनी के प्रबंधक, निर्देशक और VP से मिला और ऐसा लगा जैसे वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट के पश्चात मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया था। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, परंतु उससे अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरी ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 मास से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। न केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है, मेरे सब कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित हैं, परंतु मुझे पता है कि यह गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था, अब मैंने जीना सीख लिया है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्षणिक उपचार। जिसने पीड़ा दी है वही उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक चिकित्सक के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के अस्थिबंद क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुझे विश्राम करने का और घुटनों को न हिलाने का परामर्श दिया गया, साथ ही औषधियाँ भी दी गई। पीड़ा असह्य थी। जब मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्थिबंद क्षतिग्रस्त हो गए थे। मेरा मित्र चुप रहा। 2 माह के पश्चात घुटनों का शूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र के दोबारा कहने पर पुनः गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में फिर से वेदना आरंभ हो गई। इस बार मैं चिकित्सक के पास गया तो उसने एक महंगे उपचार की सलाह दी। मेरे पास अधिक धन नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया, मेरे से चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया और उसे चलाकर एम्पायर स्ट्रेट पहुंच पाया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती करी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। और अगले क्षण वह पीड़ा समाप्त हो गई। निश्चित करने के लिए कि मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है, मैं चिकित्सक के पास गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के पश्चात मैं किसी चिकित्सक के पास नहीं गया हूँ। गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने धूम्रपान छोड़ा। मैं प्रतिदिन 30 से 35 सिगरेट पीता था और तीव्र अम्लता और उदर समस्या से पीड़ित रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वह डिब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे चिकित्सकों ने बताया कि ऐसा न करने से मुझे उदर व्रण हो सकता था, जो कालांतर में अस्थायी कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, चिकित्सक और अध्यापक हैं। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सब भूमिकाएँ अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव है। प्रारंभ में यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं। उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, परंतु यह केवल सांकेतिक चित्रण है। अतः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है, जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं। परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये प्यारा सा सत्संग संजीव कश्यप अंकल का है, गुड़गांव से।
प्यारे गुरु जी और प्यारी संगत जी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।